जय जिन दोस्तों, वर्धमान जनरेटर में आपका स्वागत है। लेके आऊँ 40 की वी सिंगल फेस का किर्लोस्कर का साइलेंस जेनसेट। अभी मैं आपको स्टार्ट करके इसकी आवाज़ भी चेक कराने वाला हूँ, लोड डाल के भी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका इमरजेंसी स्टॉप बटन है दोस्तों, जिससे बाहर से किसी भी इमरजेंसी में आप जनरेटर को बंद कर सकते हैं। ये केबल इनलेट का, जहाँ से केबल डालेंगे अपने आउटपुट की दोस्तों। इसके अंदर ऑटोमेटिक सेफ्टी पैनल लगा हुआ है 40 की वी सिंगल फेस का, जिसके अंदर ये दो इंडिकेटर लगे हुए हैं, एक डीजी ऑन की, एक लोड ऑन की। ये सेफ्टी यूनिट लगा हुआ है दोस्तों, कोई भी दिक्कत आएगी जनरेटर को बंद कर देगा। टेम्परेचर हाई जाएगा, टेम्परेचर लो जाएगा, कोई भी किसी टाइप की दिक्कत आएगी ये तुरंत जनरेटर को बंद कर देगा। ये इसका ऑन ऑफ यूनिट है, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी करता है जनरेटर को दोस्तों। इसके अंदर एमसीबी भी लगा हुआ है, बहुत ही शानदार पैनल है दोस्तों। इससे जनरेटर में किसी टाइप की कोई दिक्कत आती नहीं है। चार सिलेंडर किर्लोस्कर का 4R1040 इंजन लगा हुआ 56 BHP का, जिसका फुल ओवरऑलिंग का हम लोगों ने काम किया है। सारी हॉर्स पाइप वगैरह APDM के लगे हुए हैं, ब्रांड न्यू उसमें रेडिएटर लगाया हमने बैंको कंपनी का दोस्तों। सारी हाइड्रोलिक के डीजल के पाइप लगाए हैं, ब्रांड न्यू उसके अंदर स्टॉपर लगा हुआ है ओरिजिनल किर्लोस्कर का ही, ब्रांड न्यू उसके अंदर हम लोगों ने एयर फिल्टर लगाया है। 99% चीज़ें सब दोस्तों नई लगी हुई है। फ्यूल गेज जो बताएगा टंकी में कितना डीजल है, मैनुअली भी और डिजिटली भी दोस्तों, दोनों तरीके से आपको बता देगा टंकी में कितना डीजल है। आप कंट्रोल यूनिट में भी देख सकते हैं और इसकी यूनिट में भी, टंकी में भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा टंकी के अंदर कितना डीजल है। इसके अंदर ब्रांड न्यू हम लोगों ने कनोपी लगाई है दोस्तों, ब्रांड न्यू ऑल्टर लगाया, केवल इंजन पुराना है, बाकी सारा ही सामान नया है दोस्तों। इसका साइलेंसर भी इनसाइड वाला है दोस्तों, देख सकते हैं, कोई आपको बाहर कोई इस टाइप का कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। प्रॉपर आपको फिटिंग मिलेगी। फैनर का हम लोगों ने जेन्युइन बेड लगाया हुआ है इसके अंदर, देख सकते हैं आप। हैवी ड्यूटी बैटरी की लीड दी हुई है, वायरिंग भी प्रॉपर लगी हुई है फ्यूज के साथ में। इसका फ्यूल इनलेटर, जहाँ से आप डीजल डालेंगे दोस्तों। चार सिलेंडर इंजन है दोस्तों, बहुत ही शानदार इंजन होता है किर्लोस्कर का, वाटर कूल्ड। इसमें ब्रांड न्यू ऑटेड लगा हुआ AVR वाला, फुल कॉपर बाइंडिंग का दोस्तों, देख सकते हैं आप। इसका बैटरी स्टैंड है, जहाँ बैटरी रखा जाएगा, बहुत ही शानदार जनरेटर है दोस्तों। झज्जर जा रहा है, झज्जर में कोटी में लगने के लिए जा रहा है दोस्तों। अमित गुलिया भाई ने हमसे परचेज किया झज्जर से हैं, जो कि इसका प्राइस जानने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9899707888 और 9810335300 नंबर पर। कॉल करने का समय सुबह 11 से शाम को 7 बजे तक को आपको पूरी जानकारी दी जाएगी दोस्तों। चलिए स्टार्ट करके आपको उसकी आवाज़ चेक कराते हैं। ये पैनल हमने ऑन कर दिया है, अब ग्रीन बटन दबाएंगे जैसे स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो हाफ सेल में जनरेटर स्टार्ट हो चुका, देख सकते हैं डीजी ऑन की लाइट जल चुकी है। इसके अंदर आप सारे पैरामीटर इजीली स्क्रॉल कर सकते हैं, यहाँ से बटन दबाएंगे आपको सारी चीज़ें बताया गई, कितना ऑयल प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है, कितनी फ्रिक्वेंसी है, कितने वोल्टेज हैं, एक एक चीज़ आप इस पर देख सकते हैं, कितने घंटे जनरेटर चल चुका है। इवन बैटरी चार्जिंग का भी आपको इंडिकेटर बताएगा कि कितनी बैटरी चार्जिंग के वोल्टेज आ रहे हैं। बहुत ही शानदार पैनल है दोस्तों, किसी टाइप की कोई भी दिक्कत आने पर तुरंत जनरेटर को ये बंद कर देता है। इससे आप ऑटोमेटिकली जनरेटर को स्टार्ट भी करा सकते हैं, बंद भी करा सकते हैं। ये जेन्युइन पैनल है दोस्तों, जो कंपनी से लग के आता है। इसी से कंपनी 5 साल की, 2 साल की, 3 साल की गारंटियाँ देती है। अभी लोड डाल दिया दोस्तों, देख सकते हैं लोड ऑन की लाइट जल चुकी है, MCB ऑन कर दिया और आपके सामने परफॉर्मेंस है। बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं मिलेगी, कोई फालतू नॉइज़ नहीं मिलेगा, देख के लगी ना वो जनरेटर चल भी रहा है दोस्तों। इस लेवल का हम काम करते हैं, इस बात पर लाइक जरूर बनता है, लाइक जरूर करें और आवाज़ भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसकी हॉट एयर निकलने की जगह, जहाँ से गर्म हवा निकलती है दोस्तों। साइलेंसर देख सकते हैं, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, किसी टाइप का कोई धुआं नहीं है। 100% लोड पे ऑलरेडी हम लोगों ने चेक किया दोस्तों, 140-145 एम्पीयर वाटर लोड पे हम लोगों ने इसको टेस्ट किया, उसके बाद ही पेंट होता है। बिल्कुल सुपर साइलेंट जेनरेटर बन चुका है, चारों तरफ से घूम के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल पास खड़ा हूँ दोस्तों मैं इसके, देख सकते हैं आप। और लोड भी हम लोगों ने डाल दिया है, देख सकते हैं आप, 80 एम्पीयर के आसपास इस पर लोड चल रहा है इस टाइम। 80 एम्पीयर लोड पर परफॉर्मेंस आपके सामने है दोस्तों, कोई धुआं नहीं है, कोई फालतू नॉइज नहीं है, बिल्कुल एक आवाज़ में इंजन चल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। क्वालिटी आपको हर एंड पे मिलेगी, बिल्कुल ब्रांड न्यू जेनसेट बन चुका है, कोई देख के कह नहीं सकता दोस्तों जेनसेट पुराना है। और पुराना हैवी क्या दोस्तों, सब कुछ ही तो नया है, केवल इंजन का बाहर का ढांचा पुराना है, बाकी सब कुछ ही नया डाला हुआ है। इंजन में चारों लाइनर, पिस्टन, पंप, नोजल हेड, सेल्फ, अल्टरनेटर सारा ही काम करते दोस्तों। अल्टरनेटर ब्रांड न्यू लगा हुआ है, पैनल ब्रांड न्यू लगा हुआ है, कैनोपी ब्रांड न्यू लगी हुई, रेडिएटर ब्रांड न्यू लगा हुआ है, पूरा 100% ब्रांड न्यू जेनसेट ही बन चुका है दोस्तों। परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं दोस्तों, 80 एम्पीयर लोड पे स्टेम जनरेटर चल रहा है, क्वालिटी आपके सामने, कोई धुआं नहीं है, कोई फालतू नॉइज नहीं है, हर एंड पे आपको क्वालिटी मिलेगी दोस्तों, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, देख सकते हैं आप। अभी मैं आपको फ्रीक्वेंसी भी दिखाया था दोस्तों, 80 एम्पीयर लोड पे कितनी फ्रीक्वेंसी है इंजन की, ये भी आपको ये बता देगा पैनल आसानी से स्क्रॉल करके। इस बटन को आप दबाएंगे तो ये बता देगा, सारे पैरामीटर आ जाएंगे इसमें, देख सकते हैं आप। 50.5 फ्रीक्वेंसी 80 एम्पीयर लोड पे, अभी आराम से आप 40-50 एम्पीयर इसमें और डाल सकते हैं, किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, ये देख सकते हैं।
प्रॉपर सारी चीज़ें आपको बताएगा, ये पावर फैक्टर है, कितना फ्यूल है टैंकी के अंदर, सारे प्रॉप पैरामीटर है। इवन डीजल भी अगर 15% से कम जाएगा तो जनरेटर को तुरंत बंद कर देगा दोस्तों, ओवर वोल्टेज जाएगा, ओवरलोड जाएगा तो जनरेटर को बंद कर देगा। ये सर्विस पे सर्विस ड्यू लिखा हुआ आ जाएगा। बहुत ही शानदार पैनल है दोस्तों ये, अभी ऑफ कर दिया दोस्तों, लोड हटा दिएगा, रेड बटन दबाएंगे जनरेटर बंद हो जाएगा। जनरेटर धीरे धीरे बंद हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप, इस पैनल को ऑफ कर देंगे हम। ये डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार है दोस्तों, अब इसे अच्छी तरह पैक करके हम लोग झज्जर के लिए रवाना करेंगे अमित गुलिया भाई के पास। देख सकते हैं डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार है, और ये अच्छी तरह गत्ता वगैरह लगा के पैक कर दिया दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दिए गए नंबर पर जल्द से जल्द ऑर्डर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।